माफियाओं के लिए सिवनी मालवा विकास खंड के नर्मदा तट अब वरदान साबित हो रहा है। मां नर्मदा के सीने को छलनी कर ये रेत चोर रात भर सैकड़ों डंफरों से रेत चोरी कर माइनिंग और राजस्व विभाग को चूना लगाकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। रोज सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद भी माइनिंग के आला अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार ही नहीं है। रात को भी एक वीडियो वायरल हुआ है जो सिवनी मालवा के टप्पा तहसील शिवपुर के ग्राम रामगढ़ खदान का बताया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि पूरी रात अवैध डंफर रेत माफियाओं के द्वारा रेत चोरी खुलेआम की जा रही है। मां नर्मदा में मशीनों की रोक के बावजूद भी पॉकलेन लोडर एवं जेसीबी को उतारकर गाड़ियों को लोड किया जा रहा है। यह शिकायत किसी भी अधिकारी को कर दो, कुछ भी नहीं होगा। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम रामगढ़ से शिवपुर मार्ग एवं शिवपुर से करताना मार्ग पूरी तरह डंफरों के चलते खराब होने की स्थिति में आ गए हैं। इस कारण इन मार्गों पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुछ नहीं करते हैं क्योंकि यहां सब गोलमाल है। इनमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं कुछ प्रशासन की भी मिलीभगत नजर आ रही है। इस विषय को लेकर मां नर्मदा सेवा संगठन भिलाड़िया घाट शिवपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में रोष है। जल्द ही अवैध रूप से हो रहे उत्खनन को यदि नहीं रोका गया तो आंदोलन कर रेत माफियाओं के विरुद्ध प्रदर्शन किया जाएगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी मालवा से संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट।